अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इस तरह की एडिटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। लेकिन स्मूथ फेस एडिटिंग, ऑयल पैन एडिटिंग दोस्तों, इस तरह की एडिटिंग करना बहुत आसान है। आप करने क्या है, इस वीडियो को जस्ट कंप्लीट वॉच करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करने से पहले अगर रहिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चाहे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने कहना है कि आपने इस फोटो को अपने जिस स्नैपसीड एप्लीकेशन में इस शेयर कर सेंड कर देना चाहिए। यहाँ सेंड पर ऑप्शन कर गए, यहाँ आपको एप्लीकेशन मिलेगी स्नैपसीड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में इस वीडियो फोटो को सेंड कर दें। यहाँ सेंड आने के बाद सबसे पहले अपने टूल्स पर जाना है। यहाँ पर और टूल्स पर आ जाने के बाद सबसे पहले अपने जी क्या करना है, आपको ऑप्शन नज़र आएगा जी टून इमेज पर आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से पहले इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर देना, सेचुरेशन को भी एडजस्ट कर देना जिस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं, और इस तरह अपने इसकी जी एम्बियंस को भी एडजस्ट कर देना है, हाइलाइट्स को इंक्रीज कर देना है जी, शेडो को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, डिक्रीज़ कर देना है, यदि वार्म को बस 0 पर रख देना है, बस इस तरह एडजस्टमेंट करना है, बस ओके कर देना। ओके कर देना और दोबारा अपने क्या करना है, टूल्स पर जाना है जी। इसके बाद अपने दोबारा जी टूल्स पर जाना है, नीचे नीचे ये देखें जी। यहाँ जाने के बाद अपने अब क्या करना है, डिटेल पर जाना, डिटेल पर जाने के बाद स्ट्रक्चर को डिक्रीज और शार्पनिंग को इसकी इंक्रीज कर देना है। इसके बाद ओके कर देना। ओके कर देने के बाद दोबारा अपने टूल्स पर जाना है जी। टूल पर जाने के बाद आपको यहाँ एक और ऑप्शन मिलेगा जी, यहाँ देखें जी पोर्ट्रेट का। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको स्मूथ करने के लिए क्लैरिटी फेस स्मूथ स्वेट स्पॉटलाइट को इंक्रीज कर देना है और स्किन स्मूथनिंग को भी इंक्रीज। इसके बाद अपने डबल एक्सप्लोर पर जाना है। यहाँ जाने के बाद अपने अपनी आई साइड ऐनक का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह अपने ग्रीन कलर में आप में किस तरह किया जाता है, ऐनक का कलर किस तरह चेंज करते हैं, यहाँ से आपको मैं ये चेंज करके बताऊँगा। यहाँ आप देखें इस तरह कर दीजिए। यहाँ से व्यू एडिट पर जाना है। यहाँ व्यू एडिट पर क्लिक करके सेंटर पर क्लिक करके इसे ऐनक पर जिस तरह अप्लाई करेंगे तो ये जस्ट आपकी ऐनक पर ही अप्लाई होगा कलर। ये देखिए आप जिस तरह आराम से इस सारा इसकी ऐनक पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए जी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, इसकी ग्लासेस पर इसे अप्लाई जाके इसका कलर कुछ इस तरह का ग्रीन सा हो जाएगा। दोस्तों आप इस तरह अपनी आईस जो ग्लासेस वगैरह का कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। बस जस्ट आप स्टेप स्टेप फोटो एडिटिंग कंप्लीट वॉच करते रहें ताकि आपको हर स्टेप क्लियरिटी समझ में आ सके। दोस्तों इस तरह देख सकते हैं कि हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, ऑप्शन पर जाके से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद जी अपने अपने क्या करना है जी, इसको शेयर कर देना है जी इसी फ़ोटो को जी। और एक और एप्लीकेशन है जी ऑटो डिस्क स्केच बॉक्स, ऑटो डिस्क स्केच बॉक्स। दोस्तों हम अपनी फ़ोटो को स्मूथ करने के लिए ये बढ़िया ऐप है, आप इसमें जाकर अच्छी तरह अपनी फ़ोटो को स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले अपने क्या करना है जी, यहाँ थर्ड नंबर वाले ब्रश पर जाना है जी। यहाँ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जी, थर्ड नंबर वाला ब्रश, यहाँ देखें। यहाँ जाने के बाद आपने यही वाला ब्रश चूज़ किया कर लेना जो कि मैंने किया है। इसकी सेटिंग को भी इस तरह एडजस्ट कर देना जिस तरह कि मैंने कर रखा है ऑलरेडी। उसके बाद ओके कर देना। एक कर देने के बाद आपने इसकी जैसे आप इसके फेस पर अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथनेस हमारे फेस पैदा हो रही है और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट पैदा हो रहा है। आप इजीली इस तरह भी काम कर सकते हैं दोस्तों। फेस स्मूथ करने के लिए बेस्ट ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है ऑटो डिस्क स्केच बॉक्स। ये एप्लीकेशन जितनी मैं यूज़ कर रहा हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इन ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी किस तरह अच्छी हमारी फ़ोटो एडिट होती जा रही है और काफ़ी स्मूथनेस पैदा हो रही है, काफ़ी अच्छी स्मूथनेस पैदा होती जा रही है। देख सकते हैं मैं सारे इससे फेस पर अप्लाई कर रहा हूँ। याद रखिए कि इसके बालों पर अप्लाई नहीं करना वरना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक सारे फेस पर अप्लाई कर देने के बाद जी आपने क्या करना है जी, इसको फिर ऐसे पहले इसे अप्लाई कर देते हैं सारा गर्दन वगैरह पर। यह देखें जी यहाँ अप्लाई कर देना है, जहाँ जब यही अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट पैदा होता जा रहा है जी, थोड़ा टाइम लग रहा है जी यहाँ स्मूथनेस में। आपने इसे ऐसे ऐसे कर देना है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो कुछ अच्छी नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना, ओके कर देना, शेयर करना जी। एक और एप्लीकेशन इधर पर क्लिक करके आपको एक और एप्लीकेशन मिलेगी जी टूल विज, इस पर आपने इसको शेयर कर देना है। इस पर आपने क्या कहें ऑयल पैन का इफेक्ट पता करने के बाद आपने क्या कहें इफेक्ट पर जाना है। यहाँ इफेक्ट पर जाने के बाद सॉफ्ट स्मग पर जाना है। यहाँ आपने थर्ड नंबर वाला या फोर्थ वाला चूज़ करना है
और इसकी देखें काफ़ी स्मूथनेस इफेक्ट पैदा होगी। इसके बाद मास्क पर जाना है, यहाँ से अपने क्लीन कर देना है और इसके जैसे अपने इसके बालों पर जिस तरह भी अप्लाई करेंगे दाढ़ी वगैरह पर, तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट पैदा होता जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छी है पेसरा की ऑयल पेंटिंग एडिटिंग के लिए। देख सकते हैं अपने सारे इसके दाढ़ी बालों वगैरह पर अप्लाई कर देना और काफ़ी अच्छा सा इस तरह से इफेक्ट पैदा हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा इसमें ऑयल पेंट की तरह का इफेक्ट पैदा होता जा रहा है। आपने भी इस तरह ऐसा ऐसा अप्लाई कर देना सारे बालों पर। दोस्तों ऐसा कर देने के बाद आप यहाँ से इसे सेव भी कर सकते हैं, ये ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आप बैक जाके सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं कि हमारी फोटो इस तरह एडिट हो चुकी है। मुझे देखिए दोस्तों आपको हमारी फोटो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज़।